जम्मू और कश्मीर के गुरेज में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मेजर समेत 4 जवान शहीद। सोमवार देर रात को गुरेज में सेना ने ऑपरेशन कासो चलाया, जिसके दौरान शुरू हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। संसद में भी देवरिया कांड की गूंज, राजनाथ बोले नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार में मुजफ्फर के बाल संरक्षण गृहों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और सभी राज्यों में बाल गृहों में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। उपसभापति पद के चुनाव से पहले एनडीए को लगा बड़ा झटका। एनडीए पहले ही राज्यसभा की पावरफुल लोकलेखा समिति में एक बार हार का सामना कर चुकी है, वहीं चुनाव से ठीक पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उपसभापति के उम्मीदवार हरिवंश लोक सेवा समिति का चुनाव हार गए हैं। रेप की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा लेफ्ट राइट और सेंटर सब जगह हो रहा रेप। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर आज गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि जिधर देखो उधर ही महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि लेफ्ट राइट और सेंटर सब जगह रेप हो रहा है। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड, जेलर, डिप्टी जेलर समेत 5 पुलिसकर्मी जांच में पाए गए दोषी। माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच में जेलर, डिप्टी जेलर समेत 5 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। हत्याकांड की जांच रिपोर्ट कारागार मुख्यालय को भेज दी गई है। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, विधायक फंड 4 से बढ़ाकर 10 करोड़ किया। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने विधायक निधि में 6 करोड़ रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद यह बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी बुलेट ट्रेन पर बोलते हैं, रेप पर चुप रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बुलेट ट्रेन पर बोलते हैं, लेकिन वह बलात्कार पर नहीं बोलते हैं। अलवर के बीजेपी विधायक बोले, रकबर की मौत पिटाई से नहीं हुई, उसने जहर खाकर जान दी। राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के आरोप में पीट पीट कर मारे गए रकबर खान की मौत के मामले को एक नया मोड़ देते हुए अलवर शहर के बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अब एक नया मोड़ देकर दोषियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। विधायक सिंघल का कहना है कि रकबर को किसी ने नहीं मारा, बल्कि वह खुद ही जहर खाकर मर गया था। सुब्रमण्यम स्वामी का शशि थरूर पर पलटवार, बोले सूट बूट में आप लगते हैं वेटर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि थरूर खुद तो सूट बूट में रेस्टोरेंट के वेटर और बटलर की तरह लगते हैं और नागालैंड के लोगों को पहनावे को अजीब कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि थरूर जैसे दोहरे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इशरत केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने वंजारा की आरोप मुक्ति से जुड़ी याचिका खारिज की। गुजरात में एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इशरत जहां और 3 अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में खुद को आरोप मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था।